देखिए, अब आपसे कह रहे हैं कि लाप्लास इनवर्स आप निकालिए, एस ई टू पावर माइनस ए एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। पिक्चर में आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें एस की जगह पी लिखा हुआ है, मेरी आदत एस लिखने की है इसलिए मैं एस लिख रहा हूँ। नहीं वो तो पिक्चर दूसरा लगेगा, कमेंट कोई कर दे का है वो मास्टर, उसमें एस लिखा पी लिखा, तुमको पी लिखना नहीं आता है का पागल कहीं का? नहीं कुछ भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन देखिए, हमने तो लिख दिया सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बट इट विल नॉट कम इन द एग्जाम के सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। आपको मालूम होगा, वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा? लाप्लास इनवर्स कॉज हाइपरबोलिक ओमेगा टी, ये आपको याद होना चाहिए। कॉज हाइपरबोलिक ओमेगा टी ये होता है, ठीक है। इसी को एफ टी मान सकते हैं, एफ टी लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या किया है, ये एफ एस है ना, इसलिए आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एल इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी लिख रहे हो ना, तो आप एफ एस में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? ई टू पावर माइनस ए एस से। और आप जानते हैं जब एफ एस में आप ई टू पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई करते हो वहीं पर आपकी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है। नाउ बाई सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, एल इनवर्स जो आपका एफ एस है, एफ एस कितना है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि शुरुआत से हमें एस लिखने की आदत पड़ी हुई है, पी लिख नहीं रहे हैं इसलिए हम अब आपकी बुक की आदत भी पड़ी हुई है। तो हमने इसमें क्या किया है, ई टू पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ई टू पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ये फॉर्मूला बनेगा एफ टी माइनस ए कब, व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, और ये बनेगा जीरो व्हेन टी इज लेस देन ए, ये तो बनेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एफ टी है ना उसमें टी की जगह क्या कर दो, टी माइनस ए लिख दो, टी की जगह टी माइनस ए कर दो, यानी आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, कॉज हाइपरबोलिक ओमेगा टी माइनस ए कब, ये तब आएगा व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, और ये जीरो होगा व्हेन टी इज लेस देन ए। अब ये ना कहिएगा कि यहां पर आपने जीरो किसकी जगह, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो बता रहा है, तो वैसे तो ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको ये वाला स्टेप रब कर देना, ये वाला स्टेप रब कर दे रहे हैं। अब देखो यहां थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, चेंज इसलिए कर रहे हैं कि जब बुक में आप आंसर देखोगे ना तो आंसर मैच नहीं करेगा, फिर कंफ्यूज जाओगे। देखिए ये निकल रहा है एल इनवर्स ऑफ ई टू पावर माइनस ए एस इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अगर यहां पर हम कॉज हाइपरबोलिक ओमेगा टी माइनस ए बाहर कर दें, यहां वन बचेगा, और वन कब होगा व्हेन टी ग्रेटर देन ए, और यहां जीरो है व्हेन टी इज लेस देन ए लिखा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, क्या मतलब ये जो लिखा है हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको पढ़ा है कभी, कभी देखा है आपने? कभी नहीं देखा। जब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई है, प्रॉपर्टी जब बता रहे थे तो हमने कहा था ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है, देख लीजिए पलट करके, उसको याद नहीं है, पूरे ध्यान से थोड़े देख रहे हैं। तो यानी कि हम कॉज हाइपरबोलिक ओमेगा टी माइनस ए इंटू इसको लिखेंगे एच टी माइनस ए, बताया हम हैविसाइड फंक्शन कहते हैं इसलिए यहां एच का इस्तेमाल किया गया है, इसे यूनिट स्टेप फंक्शन लिखा जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये बताइए, ये आंसर जब दिया था ये वाला आंसर अंदर, तो आपने कॉमन क्यों लिया भाई, हम नहीं कॉमन लेना चाहते थे, लेकिन बुक में आंसर में ये घुसेड़ दिया इन्होंने, डाल दिया। अब सामने वाला क्या समझे, क्या लिखा हुआ है तो बताना पड़ेगा ना भाई, ये कहां से आया, बोले वो आया कहां से आया, वो आया अब किताब में लिखा, लिखो तुम लिखो, इसलिए आया कि ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, जो एच टी माइनस ए है जिसको लिखा आपने है, ये कहलाता है यूनिट स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन। ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को समझाते वक्त अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है, ठीक। तो ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल है, नोट करिए इसको।